नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। आज शारदीय नवरात्रि का सातवां दिन है। आज माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि कालों की काल मानी जाती हैं। इनकी आराधना से शत्रु डर कष्ट दूर हो जाते हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को बैठक हुई, इसमें कई विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी है। इसमें 17,082 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसका खर्च पूरी तरह से केंद्र सरकार उठाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में 7600 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नीति हिंदुओं को एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने की है। कांग्रेस जानती है हिंदू जितना बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का फ्लैग स्टाफ रोड स्थित सीएम आवास सील कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी ने आवास से उनका सामान निकालकर बाहर कर दिया है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बुधवार सुबह सीएम आवास गए थे। उनके मुताबिक घर का हैंडओवर करने में नियमों का पालन नहीं किया गया था। आतिशी के पास इस घर की चाबियां थी, लेकिन उन्हें घर अलॉट किए जाने के आधिकारिक दस्तावेज नहीं दिए गए थे। अधिकारियों ने दोपहर तक घर की चाबियां ले ली। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत की हैट्रिक के बाद अब नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। पार्टी सूत्र बताते हैं कि हरियाणा में भी पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा की तरह 2 डिप्टी सीएम का फार्मूला ला सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार 10वीं बार ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थी। यूपी सरकार के मिशन शक्ति के तहत सरकारी स्कूल की 7500 छात्राएं एक दिन के लिए प्रशासनिक अधिकारी बनेंगी। इसके लिए हर जिले से 100-100 छात्राओं का चयन किया जाएगा। इससे पहले भी कई छात्राएं एक दिन के लिए डीएम और एसपी का पद संभाल चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने सेना के 2 जवानों को किडनैप कर लिया, जिसमें एक जवान चकमा देकर सुरक्षित निकला, वहीं दूसरे जवान का गोलियों से छलने शव मिला। 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर शहर को 4 ब्रिज की सौगात देंगे। बुधवार को महापौर पुष्मित्र भार्गव कलेक्टर आशीष सिंह ने निरीक्षण किया। लपकुश चौराहा ब्रिज से निरीक्षण की शुरुआत की। फूटी कोठी ब्रिज पर लोकार्पण समारोह होगा। भंवर कुआं और फूटी कोठी ब्रिज का लोकार्पण होगा। मध्य प्रदेश में संपत्ति के रजिस्ट्रेशन का झंझट अब जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि 10 अक्टूबर से मध्य प्रदेश में रजिस्ट्री के नए नियम लागू होने वाले हैं, जिनमें कई अहम बदलाव दिखेंगे। मोहन सरकार अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इसे डिजिटल बना रही है। इसके बाद लोगों को कई दस्तावेजों के पंजीयन के लिए उप पंजीयन कार्यालय में मौजूद रहने की जरूरत नहीं होगी। इंदौर में बुधवार को कई हिस्सों में रिमझिम बारिश हो गई। इस अक्टूबर में यह पहला मौका है जब बारिश शुरू हुई है। इसके साथ ही मौसम में ठंडक घुल गई है। हालांकि कई हिस्सों में कुछ ही मिनट में बारिश थम भी गई। मौसम विभाग ने इंदौर में मौसम साफ रहने के आसार जताए हैं। कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।